हेलो गाइस, कैसे हैं सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो भाई, आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप अपने एंड्रॉयड मोबाइल को, जो आपके एंड्रॉयड होते हैं उसको, आप आईफोन 13 iOS 14 जो लेटेस्ट आया है उसमें कैसे कन्वर्ट कर सकते हो। आईफोन 13 को लॉन्च किए 1 महीना मंथ होने वाला है, लेकिन वीडियो लेट आए मुझे पता है, लेकिन चलता है ठीक है। तो मैं आपको कुछ लिंक्स दे दूँगा ऐप्स की, आप डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा ठीक है। 4 ऐप्स हैं, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा वो वाले ऐप्स। उसके बाद आपको अगला प्रोसेस दिखा देता हूँ कि आप कैसे कर सकते हैं ठीक है। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो गाइस, हम आ गए हैं अपने इधर एंड्रॉइड स्क्रीन की तरफ ठीक है। सबसे पहले करने की आप लोगों ने ना ये वाला 4 ऐप्स ने, आईओएस 14 लॉन्चर, एक कंट्रोल सेंटर और एक लॉक स्क्रीन और एक असिस्टिव लाइव टच है ठीक है। तो मैं इनको कर लेता हूँ यहाँ अपने मोबाइल में, इनको ऐड कर इंस्टॉल तो कर लिया, लेकिन इनको ऑन पर कर लेता हूँ, इनको सेटअप कर लेता हूँ। अब बस इनको परमिशन देनी होगी जो मांग लेगा ठीक है। और उसके बाद अपने सेटअप कर लेता हूँ, मैं सेटअप कर लेता हूँ, फिर मिलते हैं हम। तो ये देखिए, हमारे पास सेटअप हो गया है, ये हमारे पास iOS का ठीक है। तो ये लॉक स्क्रीन जैसे मैंने मोबाइल ऑन किया तो ये लॉक स्क्रीन आएगा हमारे पास ठीक है। मैं इसको ओपन करता हूँ तो ये देखें, यहाँ से ओपन होगा तो ये देखें, मैं बिल्कुल iOS 14 का ही इसका लुक आ रहा है ठीक है। आप बार बार वगैरह चेंज कर सकते हैं, इसके आइकन का साइज चेंज कर सकते हैं, ऊपर नोटिफिकेशन के जो बार है उसको भी चेंज कर सकते हैं ठीक है। देखें यहाँ पर बस iOS का ये भी आ गया, बटन जो होता है अक्सर होता है आप देखो होगा ठीक है। हम रिसेंट कंट्रोल सेंटर पर जाते हैं तो हम यहाँ पे, तो ठीक है कंट्रोल सेंटर में मैं आ जाता हूँ तो यहाँ पे देखें iOS का आ जाता है बिल्कुल सेम टू सेम ठीक है। तो ये देखें बिल्कुल आपको ज़्यादा पता नहीं लगता कि iOS है या नहीं, लेकिन मैं आपको बता दूँ कि इसको आप पर्सनल अगर यूज़ कर रहे हैं तो बिल्कुल यूज़ ना क्या करें, किसी भी लॉन्चर को इसको क्या बोलते हैं, किसी भी लॉन्चर को यूज़ ना क्या करें, क्योंकि इनके बहुत सारे डिसएडवांटेजेस होते हैं। एक ये बैटरी बहुत कंज्यूम करते हैं, ऊपर से बैटरी के अलावा ये जो होते हैं हमारे पास आपके पर्सनल को भी लीक कर सकते हैं, वो इनके चांसेस होते हैं, इसलिए ट्रस्टेड ऐप्स नहीं होते इतने, तो इनको आप कम ही यूज़ किया करें आपको मोबाइल लैग करते हैं इससे ठीक है। तो बाकी अगर आपने ऐसे शोबाजी के लिए करना है तो आप ये कर लें ठीक है। तो अगर पसंद आई वीडियो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।